25,000 रुपए के दो इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद में देर रात थाना सिकुआबाद क्षेत्र के मैनपुरी रोड पर थाना सिकुआबाद पुलिस और एसओजी की टीम को सूचना मिली कि बाइक पर दो बदमाश फायरिंग करते वहां से निकल पड़े हैं। पुलिस ने उनकी घेराबंदी की और पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने बचाव में फायरिंग की तो गोली बदमाशों को लग गई जिससे वो घायल हो गए। सिकुआबाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस ने बदमाशों की मुठभेड़ को लेकर एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए और पूरी घटना का जायजा लिया। बताया गया कि पकड़े गए दोनों बदमाश अनार सिंह गोविंद सिंह हैं। इन पर दो दर्जन से अधिक मुकदमे और 25,000 रुपए का इनाम है। फिलहाल गोली लगने से घायल बदमाश का इलाज चल रहा है। पुलिस का भी यही मानना है कि गत दिनों पहले शराब के ठेके पर लूट हुई थी वो इन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। देखिए अभी शाम के लगभग 10 बजे के आसपास थाना सिकोहाबाद के मैनपुरी रोड पर एक बाइक सवार दो व्यक्तियों के द्वारा फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमारे थाना सिकोहाबाद के SHO और हमारी जो जनपद की SOG टीम है और आसपास के जो थाने हैं सबके SHO और उनकी जो क्राइम की टीम है सब लगातार हम लोग इस एरिया में एक्टिव हो गए और जो ये फायर करने वाले लोग थे इनके पीछे लगे। इनफैक्ट अभी इस थाना सिकोहाबाद और थाना मक्खनपुर में कुछ दिन पहले ही शराब के दुकानों से लूटपाट की 3 वारदात हुई थी। उसमें कुछ लोग के नाम प्रकाश में आए थे। हम लोग उनको लेकर के इस समय लगातार कॉम्बिंग वगैरह कर रहे थे। लगातार हमारी टीमें उन लोगों के सर्च में लगी हुई थी। हमारे पास कुछ इनपुट भी थे कि जिन लोगों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है संभवतः पुनः घटना को अंजाम दे सकते हैं। और हम लोग को इस घटना के बाद फायरिंग के बाद पता लगा कि संभवतः वही लोग हो सकते हैं। हम लोगों ने घेराबंदी की। अभी लगभग 11 बजे के आसपास जो हमारी टीमें चारों तरफ से लगी हुई थी, ये रघुवर दयाल कॉलेज है, इसके पीछे एक सड़क गांव की तरफ जा रही है, उसी में एक बाइक सवार लोग भाग रहे थे। हम लोगों ने चारों तरफ से घेराबंदी की। इन लोगों ने अपने आप को घिरा देख करके हमारी टीम पर फायर की। हम लोगों ने अपने रक्षार्थ हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें बाइक सवार दो व्यक्ति थे वो दोनों घायल हो गए और उनसे पूछताछ की गई। इनको तत्काल हम लोगों ने अस्पताल भिजवाया। इन्होंने पूछताछ में अपना नाम एक अनार सिंह और एक अपना नाम गोविंद बताया। ये दोनों हमारे जो पुराने 3 मुकदमे थे उसमें वांटेड चल रहे थे और इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। ये बहुत ही शातिर बदमाश है। दर्जनों मुकदमे इनके ऊपर हैं और इनकी पोजीशन से हम लोगों ने जो बाइक पिछली की घटनाओं में यूज़ हुई थी उसको हम लोगों ने बरामद किया है और इनके पोजीशन से असलहे बरामद हुए हैं, कुछ पैसे बरामद हुए हैं और मौके से बाकी जो ये खोखा कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। बाकी पूछताछ की जा रही है और इन लोगों ने जो 3 घटनाएं हुई थी उसको कबूला है और बाकी और भी घटनाएं क्या क्या हुई हैं इनके द्वारा इसके बारे में छानबीन की जा रही है। इनके साथ ही और भी लोग हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है। थैंक यू। जालौर में बम्बे में तैरता हुआ एक युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव का पंचनामा